वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है तानाशाही। आज वन नेशन वन इलेक्शन है, इस प्रकार से चुनाव होगा तो नेशन भी नहीं रहेगा, तो नो नेशन नो इलेक्शन भी हो सकता है। जब से मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इस पर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं तो कुछ सरकार के खिलाफ। कांग्रेस ओवैसी के बाद अब इसे लेकर उद्धव गुटवाली शिवसेना के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने तो वन नेशन वन इलेक्शन की एक अलग ही परिभाषा सामने रखी और प्रधानमंत्री मोदी को तो तानाशाह तक करार दे दिया। क्या कुछ कहा सुनिए। हम लोग जो बार बार बोलते हैं कि ये सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, डायरेक्टली नहीं होता है तो इनडायरेक्टली संविधान के खिलाफ काम कर रही है, संविधान तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे संविधान के निर्माता ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इस देश के चुनाव का वो सही है, लेकिन अगला चुनाव मोदी हारने जा रहे हैं, लोकसभा राज्य के चुनाव, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ वो कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है तानाशाही, एक व्यक्ति की तानाशाही, वो जो कहेगा वही होगा। आज वन नेशन वन इलेक्शन है, इस प्रकार से चुनाव होगा तो नेशन भी नहीं रहेगा, तो नो नेशन नो इलेक्शन भी हो सकता है आने वाले दिन। अगर ये होता है तो देश के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए ये एक खतरे की घंटा अभी से बननी शुरू हो गई है। नड्डा ने सर लेटर लिखा है खड़गे जी को, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कांग्रेस जो कि बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है वो अब कॉपी पेस्ट पार्टी बन गई है राजकुमार के दबाव में। अच्छा, ये राजकुमार के दबाव में अगर पार्टी उनकी क्या बन गई है बोल रहे हैं, कॉपी पेस्ट पार्टी बनी, तो आपकी पार्टी क्या है, आपकी पार्टी क्या है, आपकी अटल जी वाली पार्टी है या आडवाणी जी वाली पार्टी है, आप मुझे बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली पार्टी है, कौन सी पार्टी आपकी है। आपकी पार्टी की हालत इतनी खराब है, आपकी पार्टी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वन लीडर वन पार्टी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।